हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रेड विद पैड। एक्चुअली मैं लाइव आना चाहता था, लेकिन मेरा कुछ इंटरनेट कनेक्शंस में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, इसलिए मैं लाइव नहीं आया। एक बार आया भी था तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। तो ठीक है, तो मुझे कुछ बात करना था। बहुत सारी बातें हैं मार्केट में, काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेशन होता है और उससे आप लोगों को बचना चाहिए। मुझे काफ़ी दुख होता है जब मैं इतने बड़े बड़े चैनल को, लोगों को मैनिपुलेट करते हुए देखता हूँ ना। मेरा 5K सब्सक्राइबर्स में भी सोचता हूँ मैं किसी को कुछ गलत इन्फॉर्मेशन ना दूँ, बट ये लोग इतने बड़े चैनल को हैंडल करते हुए भी लोगों को गलत फहमी में रखते हैं। ठीक है, बस शायद चंद व्यूज़ के लिए और शायद चंद पैसों के लिए। इनके पास इतना रिसोर्सेस है, हालांकि लोगों के पास इन लोगों के पास मुझसे ज़्यादा रिसोर्सेस होंगे, मुझसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। ठीक है, बट ये लोग क्या करते हैं, फिर भी झूठी इन्फो फैलाते हैं। ठीक है, तो इससे मतलब क्या होता है, आप लोगों में एक उम्मीद जगती है कि ये बोल रहा होगा, सही बोल रहा होगा, इतना बड़ा आदमी है, इतना रेस्पेक्टेड इंसान है। तो ऐसा होता है, एक चैनल में देखा जब पास्ट इलेक्शन में मार्केट कैसे मूव करते उसके जब बैकटेस्ट कर रहा था ना, तब वो 1999 से क्या, लेकिन जब एग्जिट पोल का बैकटेस्ट किया तब 2014-2019 किया, क्योंकि उस टाइम पे एग्जिट पोल राइट हुआ था दोनों बार, राइट मतलब ऑलमोस्ट राइट हुआ था। देखो चेंजेस कब आता है पता है, हमेशा याद रखना, जब 10 साल एक सरकार रहता है तब कुछ ना कुछ चेंज होता है 10 साल रहने से, ये कहीं पर भी होता है 10 साल रहने से। एग्जिट पोल अगर फेवर में आया तो थोड़ा सा आपको समझना चाहिए कि ये थोड़ा सा 10 साल के बाद थोड़ा सा लोग थोड़ा सा उस गवर्नमेंट को इतना पसंद नहीं करते, लेकिन ये लोग फिर भी डाल रहा था। लेकिन क्यों नहीं डाला था, बाकी 2004 में जो अपसेट हुआ था उसको क्यों नहीं डाला, क्योंकि तब आप लोग को शायद पता चल जाएगा ऐसा हो। मुझे तो लगता है ये लोग शायद कहीं से इन लोग को फंडिंग मिलता होगा ये सब इन्फॉर्मेशन फैलाने के लिए, ताकि रिटेलर फंस जाए, उसके बाद FII बेच के चला जाए और रिटेलर बाय करते रहे। और तो मुझे यही लगता है, और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने इस वीडियो में बताया था आपको एग्जिट पोल का क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, ये एग्जिट पोल के बाद में मैं पब्लिश किया और एग्जिट पोल के टाइम भी मैं रिकॉर्ड कर रहा था, तो ये वीडियो जाके देख लेना। और मेरा ट्विटर में भी पोस्ट मैंने डाला था, मैं आपको डाल दूंगा स्क्रीन में, कि मैं ट्विटर में भी डाला था कि मुझे क्या लग रहा है, और मैं वो तो एग्जिट पोल के पहले ही डाल दिया था, दोपहर को एग्जिट पोल आने से पहले ही मैं 3-3:30 बजे शायद वो पोस्ट डाला था मैं। ठीक है, तो जाके आप देख लेना। और मैं जब स्टडी किया, एग्जिट पोल, तो मैं कुछ आर्टिकल्स में, वीडियो में बताया था, जो वीडियो आपको दिखा इस वीडियो में बताया था, मैं कुछ आर्टिकल्स पढ़ा और कुछ रिपोर्ट्स देखा, दैट्स इट। ये पढ़ के मुझे पता चल गया कि हाँ, इतना ज़्यादा सीट तो नहीं मिलने वाला। ठीक है, इतना ज़्यादा सीट नहीं मिलने वाला, मैंने वो बताया था आपको, वो बताया था आपको उस वीडियो में। तो ये लोग इतना तक नहीं करते क्या, क्यों मतलब कुछ भी बोल देता है, जो इतना बड़ा चैनल है, इतना रिसोर्सेज इन लोगों के पास, फिर भी ये लोग इतना बोगस बातें फैलाता है। और ये बस एक बार नहीं, बहुत बार हुआ है। और एक दूसरे चैनल में तो हमेशा बोलता है कि मोदी जी का सरकार बहुत अच्छा है, मोदी जी की सरकार में ग्रोथ अच्छा हुआ है एंड ऑल दैट ना, लेकिन ये हमेशा बार बार बोलता है देश की इकोनॉमी बहुत आगे बढ़ रहा है। तो मैं उन भाई साहब को दिखाना चाहता हूँ, ये लो आपके लिए एक बॉम्ब डाल रहा हूँ मैं, ये आप देख लो, मोदी सरकार का टाइम में और बाकी के टाइम में क्या हुआ था, देख लो क्या हुआ। ये 2004 में 709 बिलियन USD था, तो 14 में इतना बिलियन USD था आप लोगों का GDP। ठीक है, 180% ग्रोथ, 88% ग्रोथ, इतना परसेंट CAGR। ये देखो CAGR देखो, डेट देखो, थ्री टाइम्स हुआ है। आपको लगेगा यार तब तो सही था कुछ, तो उतना खाली थोड़ा सा ग्रोथ कम हुआ है, नहीं ग्रोथ कम नहीं, बहुत कम हुआ है। देखो अगर आप मान लो कि आपके पास आपका इनकम 15,000 रुपये है, ठीक है, आपका इनकम 15,000 रुपये है 15K, ठीक है 15K, और आप 5 लाख रुपये का लोन लेते हो, 5 लाख का लोन लेते हो, ठीक है, ये वाला आपका ज़्यादा परेशानी देगा, या फिर आपका इनकम हो गया मान लो 25,000 और आप लोन ले रहे हो 15 लाख का, कौन सा ज़्यादा देगा,
5 लाख में आपका 15 हज़ार सैलरी में आप 5 लाख, आपका इनकम 15 हज़ार में 5 लाख जाता है, ये वाला ज़्यादा परेशान करेगा ना, ये वाला ज़्यादा परेशान करेगा आपको, अब बोलो। तो अभी का हालत ये है इकोनॉमी का। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मोदी जी ने अच्छा काम नहीं किया, बट इतना अंधभक्त नहीं होना चाहिए कि समझ में ना आए ना। मोदी जी ने बहुत अच्छा काम भी किया, बहुत सारे जगहों में थोड़ा सा गलत भी किया, वो होना चाहिए। आप बोलोगे तो आप तो बायस हो, लोग आप बोल रहे हो वो लोग बायस रिपोर्ट देता है, अंधभक्त है, जो भी है। मैं बायस नहीं हूँ, मैं कभी भी नहीं कहा कि कांग्रेस जीतना चाहिए, ये होना चाहिए। मैं रियल बात किया, अगर कल कांग्रेस हारता तो मैं कांग्रेस को भी बोलता कि कांग्रेस हारेगा। मैंने अपने पोस्ट में भी डाला था कि NDA का सरकार होगा या फिर होगा, तो मैं अगर कांग्रेस का फेवर में होता तो मैं बोलता कांग्रेस का सरकार बनने वाला है, इंडिया अलायंस बनने वाला है, उन लोगों की तरह 400 बार 500 बार बोलता। मैं क्यों नहीं बोला, रियलिटी जो था मैं वो बोला, और मेरा हुआ ना, मेरा प्रेडिक्शन भी राइट गया इसलिए। और मैं उन भाई साहब को बोलना चाहता हूँ जो ये वाला बात बोलता है कि भाई आप जाके एक बार गूगल करके क्यों नहीं बोलते हो बातें, गूगल तो कर सकते हो, एक बार गूगल करके बातें बोलने में क्या दिक्कत है आपको, गूगल करके बातें कर सकते हो, है ना, गूगल करके बातें आप कर सकते हो। लेकिन ये लोग इतना रिस्पेक्टेड होके भी ये लोग बोगस बातें फैलाते रहेंगे, और भी बहुत सारी बातें बहुत सारे चैनल्स में भी लाइक बोली जाती है, सब बोलना स्टार्ट करूंगा तो मुझे नहीं लगता 2-3 घंटा में कभी भी कंप्लीट होगा। ऐसा नहीं कि हर चैनल ऐसा करता है, ठीक है, कुछ चैनल्स हैं जो एकदम न्यूट्रल रहता है, जैसे पावर ऑफ स्टॉक्स है शुभाशीष पानी का, ये बंदा सही है। और भी एक दो चैनल्स हैं जो अच्छा डालते हैं वीडियो और अच्छा मतलब न्यूट्रल रहता है हमेशा। वही मैं बोल रहा हूँ कि आपको अगर आपसे भी एक रिक्वेस्ट है यार, मैं मतलब इस वीडियो को अनकट बनाऊंगा, आपसे भी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी इन लोग से क्वेश्चन करो, जब भी डाउट हो, जब भी कुछ हो आप लोग क्वेश्चन करो कि क्यों आप लोग ये बोल रहे हो, क्वेश्चन करो, सवाल करो इन लोगों से, मतलब पूरा परेशान कर दो इन लोगों को। क्यों बोल रहा हूँ, आप लोग सवाल करोगे ज़्यादा तो शांत रहेंगे, हाँ ख़त्म नहीं होगा ये लोग का, चुप नहीं बैठेंगे, शांत होंगे, कुछ दिन बाद फिर से शुरू होंगे, फिर से चुप कराओ, यही एक रास्ता है। और अगर इन लोगों को पॉलिटिकल व्यू देना ही है सोसाइटी में, दे, मुझे दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना पब्लिकली इतना ओपनली नहीं देना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर देना है तो आप जाके लाइक पॉलिटिक्स ज्वाइन करो, या फिर सच बताओ जो हो सकता है, ठीक है। मैं एक चैनल में भी देखा कि यहाँ पर जब था वो बोल रहा है कि ट्यूजडे को शायद अपर सर्किट मारेगा मार्केट, अमित शाह ये बोल रहा है, मोदी सरकार मोदी जी ये बोल रहा है, लाइक फाइनेंस मिनिस्टर ही बोल रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बोलना नहीं चाहिए, मैं और एक बात बोलता हूँ, मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है। ये कैपिटलिस्ट कंट्री नहीं है, हम लोग का कंट्री कैपिटलिस्ट नहीं है, जो USA में जैसे हम लोग का डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है, एक एक डेमोक्रेसी हम लोग का। हम लोग यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए, हम लोग को कोई इन्फ्लुएंस इंसान आके नहीं बोलना चाहिए कि सब आके खरीद लो, मार्केट ऊपर जाने वाला है। मोदी जी शायद बोला था कि आप लोग का सिस्टम हैंग करेगा, वो नहीं बोला था कैस किस लिए हैंग करेगा, ये शायद इसके लिए हैंग कर गया, तो इसलिए शायद मोदी जी ने वही बोला था कि हैंग कर जाएगा, देखना 4 तारीख को, तो हैंग कर गया आज भी, वट एवर, लेकिन नहीं बोलना चाहिए। मैं इसलिए मजाक उड़ा रहा हूँ कि ये सब क्यों बोलना है, आप जाके स्टॉक खरीद लो 4 तारीख से पहले, नहीं बोलना चाहिए, रिटेलर फंसेंगे बुरा। मुझे तो लग रहा है ये भी मैनिपुलेशन है, क्योंकि ये लोग भी बोल रहे हैं कि कोई निकल सके। तो आज देखो आज कितना ज्यादा नुकसान हुआ रिटेलर्स का, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो, ठीक है। तो इसलिए बोल रहा हूँ आप ये सब बोगस बातें मत आओ। और जो लोग बोलते हैं कि हाँ अमित शाह आके बोला अच्छा है, सब सरकार होना चाहिए आके बोलना चाहिए, अरे यार क्या बकवास बात है सब, नहीं अभी कैपिटलिस्ट कंट्री यूएसए होता है, मैं कुछ नहीं बोलता, यूएसए में बोलता है मुझे दिक्कत नहीं है, उन लोगों का सिस्टम अलग है, कैपिटलिस्ट कंट्री हम लोग का डेमोक्रेटिक कंट्री, दोनों का सिस्टम अलग है, ठीक है। तो ये चीज़ समझा करो। और अभी चलो ठीक है, इन लोगों का बात से अभी हम लोग के बात में आते हैं। हाँ तो आप लोगों में कुछ वीडियोज बनाया था, जो ये वाला ट्रेड का वीडियो एक बार देख लेना जाके, श्योर शॉट ट्रेड का, एक कंफ्यूज मार्केट का, सब कुछ देखना, ये 3 वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला वीडियो तो आपको इंटरनेट पे ऐसा वीडियो कहीं नहीं मिलेगा, ये वाला मैंने कहा था एग्जिट पोल का पूरा सच्चाई बता दिया था आप लोगों को, और मैंने कहा था क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। तो अभी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं मार्केट में भी क्या हो सकता है। अभी देखो मैं जस्ट एक फटाफट बताने वाला हूँ,
हाँ, कि अभी मैंने कहा था क्या, अगर एनडीए की सरकार होता है तो मार्केट यहाँ तक आ सकता है, इस रेंज तक आ सकता है। निफ्टी बैंक निफ्टी बताया था मैंने, बैंक निफ्टी में इस रेंज, वो वाला वीडियो जाके देख लेना जो लास्ट वाला डाला था मैं, यहाँ तक आ सकता है। तो अभी तो पूरा ज़्यादा चांसेस दिख रहा है आएगा बोल के। यहाँ पर ये टिकेगा नहीं, यहाँ पर हो सकता है एक दो दिन साइडवेज रहे, देन फिर फॉल करे, या फिर कल भी एक फॉल आए, देन एक ऊपर जाए, देन यहाँ पर कुछ कंसोलिडेट करके देन फिर से आके ये वाला एरिया टेस्ट करें, लाइक 42,000 तक भी आ सकता है, और निफ्टी 19,500 तक भी आ सकता है। और मैंने बहुत दिन पहले भी एक वीडियो बनाया था कि निफ्टी 19,000 मुझे दिख रहा है, और ओवर वैल्यूड मार्केट है ना क्या है, ओवर वैल्यूशन में है ना क्या है, मैं बहुत वीडियो बना चुका हूँ इन सब के बारे में। आप ज़्यादा नॉइज में जाओगे ना तो आपको ये सब मिलेगा, और अगर आप क्लीन वीडियो चाहते हो तो क्लीन चीज़ें देखा करो, क्लीन चीज़ें कंज्यूम किया करो, तो आपको समझ में आएगा। अगर देखो जैसे कि मैंने कहा कि कुछ कुछ यूट्यूब चैनल अच्छे होते हैं, उन लोगों का जन्म जाके देखना, वो लोग रियलिस्टिक बातें करता है कि कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये लोग रियलिस्टिक बातें करता ही नहीं है। हाँ, मैं रियलिस्टिक बातें नहीं करता। मैं भी जब ये वाला वीडियो बनाया था कन्फ्यूज मार्केट में, ये वाला वीडियो में भी मैंने कहा था कि मुझे कन्फ्यूजन लग रहा है मार्केट क्या करेगा मुझे नहीं पता, शॉर्ट भी दिख रहा है लॉन्ग भी दिख रहा है, ठीक है, इसमें मैंने अच्छे से बताया था, वो जाके को देखना मैं कैसे बताया था। लेकिन मुझे 19,000 का भी टारगेट दिख रहा था, और उसका भी मुझे अच्छा खासा टारगेट दिख रहा था। और आप लोगों को शायद मैं अभी नहीं बोलना चाहता हूँ, या फिर ठीक है मैं बोल देता हूँ, मैं यहाँ पर भी कहा था कि लॉन्ग होगा, मैं वो वीडियो जाके देखना पता चल जाएगा, मैंने यहाँ पर लॉन्ग में किया, मैं इस दिन में मतलब कल मैंने शॉर्ट भी किया यहाँ पर। हाँ, मेरा शॉर्ट पोजीशन उतना नहीं था, लाइक मैं थोड़ा सा हैच टाइप का करके गया, मेरा 1:7 टाइप का वो था, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, उस हिसाब से मैं प्लान करके गया कि मेरा इतना अगेंस्ट में मुझे फिक्स था मेरा लॉस एंड प्रॉफिट, तो मैं उस हिसाब से मैं पोजीशन लेके गया 1:7 का, यहाँ पर मैं पोजीशन लेके गया, बेयरिश पोजीशन लेके गया, क्योंकि 8 बजे लाइक काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगा मुझे पता था, और मुझे लग रहा था कि जो मार्केट में एक्सपेक्टेशन है उससे अगेंस्ट में आएगा, तो 9 बजे 9:15 को शायद मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव खोले, देन शायद अगर थोड़ा नेगेटिव हो तो और भी ज़्यादा फॉल करें, और मैंने जैसा सोचा वैसा हुआ, लाइक ये क्योंकि मैंने खुद का कन्विक्शन पे मैं काम किया, मैं खुद से मैं आर्टिकल्स पढ़ा, मैंने रिपोर्ट्स देखा, मैं उस हिसाब से मैंने काम किया। लेकिन आप लोग उस गार्बेज चैनल में जाके काम कर देखते हो, वो लोग बोलता है यहाँ जो निफ्टी क्या चला जाएगा 25,000 30,000, पता नहीं लाइक जो भी है, ग्राउंड रियलिटी ये लोग नहीं कभी नहीं चेक करते, कुछ नहीं करते। तो ये है निफ्टी का, बैंक निफ्टी का था, निफ्टी का भी देख लेते हैं, निफ्टी का भी कुछ ऐसा ही है, निफ्टी भी ये वाला लेवल टेस्ट करने वाला है जो मुझे लग रहा है, निफ्टी का थोड़ा दूर है, बैंक निफ्टी थोड़ा ज़्यादा ही पास आ गया, निफ्टी का थोड़ा दूर लग रहा है, लेकिन ये फिर भी टेस्ट करेगा, क्योंकि इसमें कुछ अदानी है, कुछ सरकारी कंपनी भी है, तो शायद थोड़ा सा ड्रैग ये बाद में करे, थोड़ा सा बाउंस वाउंस करके शायद बाद में ड्रैग करे, तो ये वाला लेवल तो मुझे दिख रहा है कि नियर टर्म में आना चाहिए, हो सकता है जून में आए, हो सकता है जुलाई में आए, लेकिन आना चाहिए मुझे लग रहा है। बैंक निफ्टी तो ज़्यादा करीब है, सॉरी बैंक निफ्टी ज़्यादा करीब है, और बैंक निफ्टी थोड़ा ज़्यादा करीब है, बैंक निफ्टी आ जाएगा ऐसा लग रहा है मुझे। और जो ये वाला चैनल भी है बैंक निफ्टी का, ये बहुत लंबा टाइम का चैनल है, ठीक है, मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ, आपको समझ में आएगा, ये बहुत लंबा टाइम फ्रेम का चैनल है। हाँ, तो देखो कितना बार टेस्ट किया, क्या हुआ, यहाँ से देखो टेस्ट किया आया, 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 और जिस हिसाब से ये आया, अगर यहाँ पर 2-3 दिन रुक के ये फिर से ब्रेक करता है ना इसको, मुझे तो ज्यादा टारगेट दिख रहा है अभी, लाइक इसको इसके हिसाब से अगर अगर इसको थोड़ा सा टाइम यहाँ पर स्पेंड करके फिर से ब्रेक करता है, तब तो मुझे लग रहा है कि बहुत लंबा जाएगा, लंबा वाला जाएगा, ये वाला जोन तक आ जाना चाहिए, तब तो 40,000 तक भी आ जाना चाहिए, ये वाला जोन तक आ जाना चाहिए तब तो, मतलब इसके ऊपर ऊपर शायद सपोर्ट ले लेगा ऐसा मुझे लग रहा है। अगर इसको यहाँ पर कॉन्सोलिडेट करके इसको तोड़ देता है तो मुझे डाउटफुल है अभी, क्योंकि बहुत लंबा चैनल है ये, 2 साल 2.5 साल का चैनल है, और ये चैनल काफ़ी बार, एक बार दो बार तीन बार चार बार टेस्ट हो चुका, और आज एक कैंडल में इसने टेस्ट किया, तो ये थोड़ा सा लाइक बहुत भयानक वाला मामला है, तो पता नहीं क्या होता है अभी। मैं फिर से दोबारा
कहना चाहता हूँ कि संभल के क्वेश्चन करो, बार बार करो, जागरूक बनो, फैन या भक्त मत बनो, ठीक है? किसी का फैन, किसी का भक्त मत बनो, कोई भी हो। खुद का थोड़ा सा एनालिसिस करो, अगर स्टॉक मार्केट में काम करो तो खुद का एनालिसिस करो, खुद से सीखा करो, खुद से जाना करो, और थोड़ा चीज़ें देखा करो। अगर कोई बोल रहा है कुछ होगा तो उसको वेरीफाई करो, नहीं होगा तो सवाल पूछो, क्यों बोला तुमने, ये होगा, है ना? तब जाके आप लोग ग्रो कर सकते। आप लोग अगर किसी के ऊपर डिपेंड हो जाओगे ना, इवन मेरे ऊपर भी डिपेंड, किसी के ऊपर, मेरे ऊपर तो, मैं तो छोटा इंसान हूँ, 5,000 सब्सक्राइबर मेरा जो भी है, लेकिन अगर आप किसी के ऊपर डिपेंड हो जाओगे कि उसका तो 2 लाख सब्सक्राइबर या 2 मिलियन है, 5 मिलियन है, 20 मिलियन है, उसके ऊपर डिपेंड हो जाता हूँ, नहीं होगा। तब आप कभी ग्रो नहीं करोगे। अब उनसे देखो, फिर उसको वेरीफाई करो, उसको क्रॉस चेक करो, देन उनसे सवाल करो, क्वेश्चन करो, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करो, या फिर खुद से क्वेश्चन करो, क्या वो सही है, क्या वो गलत है, ठीक है? आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर फ्रेंड्स। अभी के लिए इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, और अपना ख्याल रखना।